सफाक इसराइल की कैद से रिहा होने वालों की अलमनाक दस्ताने दिल चीरने लगी। बगैर किसी जुर्म के मजालिम सहते नन्हे फूल मुस्कुराना भूल गए। 8 माह तक बगैर किसी इल्ज़ाम या जुर्म के काल कोठड़ियों में पड़े रहने के बाद 18 साल मोहम्मद सलहाब सिहोनी कैद से रिहा हुए तो उनका चेहरा खौफ की तस्वीर बना हुआ था। सिहोनी तशद्दुद ने उसको इस कदर खौफ ज़दा कर दिया था कि वो मीडिया से भी बात नहीं करना चाहता था। वालदैन को अपने राज दुलारे के मिलने की खुशी भी सिहोनी फौज ने मनाने ना दी। नौजवान कैदी को इसराइली अहलकारों ने धमका रखा था कि अगर उसने या उसके खानदान ने कोई जश्न मनाया तो उसे इन सब के साथ दोबारा उठा लिया जाएगा। नौजवान का कहना था कि जेल में कैदियों की हालत इंतहाई भयानक है, उनकी दिन रात तजलील की जाती है, उन्हें शदीद जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मोहम्मद सलहाब ने मजीद कहा कि उसे अपने कैद खाने से अजान देना बहुत पसंद था, मगर इन जालमों ने उससे उसकी ये खुशी भी छीन ली।